अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये है जी मेरी नानी का 800 साल पुराना नुस्खा, नहीं है नुस्खा, ओहो। चलें जी, मजाक से हटके डिटॉक्स वाटर बनाना शुरू करते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, इधर भी बताती हूँ। हमें चाहिए जी हरा धनिया, एक ग्रीन टी का टी बैग चाहिए, कोई सा भी ग्रीन टी लेना, ठीक है, चाय नहीं ग्रीन टी। आधा चाहिए हमें खीरा, थोड़ा सा हमें चाहिए अदरक, एक हमें चाहिए लेमन, एक चाहिए फ्रूट, कोई भी आप लोग को पसंद है, जो भी फ्रूट आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग एक वो उठा ले। और दो चम्मच हमें चाहिए तुख मलंगा। तुख मलंगा आसान लफ्ज़ में वो चीज़ होती है जो पानी में डल के फूल जाती है, ठीक है जी। और हमें चाहिए एक इस तरह का बैग, अगर इस तरह का बैग अवेलेबल नहीं है, घर में शॉपर होगा, आप लोग शॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी पानी पीना है यही पानी पीना है। चले जब डिटॉक्स वाटर बनाना शुरू करते हैं। कटिंग बोर्ड ले लिया, छुरी ले ली, खीरा पकड़ेंगे, इसको छोटा छोटा काटेंगे, सब चीज़ों को छोटा छोटा काट देना, खीरे को छिलके के समेत काटेंगे। चले आप काटते हुए देखें सारी रेसिपी, उतनी देर में आप लोग साथ एक बात शेयर करती हूँ। मुझे ना कुछ बच्चे मैसेज करते हैं जो 15, 14, 16 साल के होते हैं, आपकी आप डाइट क्यों करती हैं? देखो बच्चों, जब हम आप लोग के एज के थे ना, हम भी रात के 12-1 बजे लार्ज पिज़्ज़ा, जिंगर, ड्रिंक, चाउमिन, हर चीज़ ऑर्डर करते थे, पेट भर के खाते थे और सो जाते थे उसी टाइम, हर चीज़ हज़म हो जाती है। जिस एज में आप लोग हो ना, आप लोग को अभी पता नहीं चलेगा, हर चीज़ हज़म हो जाती है, लक्कड़ पत्थर सारा कुछ हज़म हो जाता है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती रहती है, इंसान लेट नाइट खाना नहीं खा सकता। कभी कभी हो गया कि लेट नाइट बंदा खाना खा ले, रूटीन में नहीं खा सकता, हज़म नहीं होता, रात प्यास लगती रहेगी। अगर ज़्यादा लेट नाइट में खाना खा लूँ ना, मेरे मैदे में तेजाबियत होना शुरू हो जाती है, फिर जब मैदे में तेजाबियत हो मेरे ज़ुबान पर एक या दो छाले बन जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 9 बजे के बाद कुछ ना खाऊँ। बेशक मैं काम साई साई रात चलते हैं, पैकिंग वगैरह भी, बाकी काम भी चल रहे होते हैं, भूख लगती है, भूख लगे तो पॉपकॉर्न्स बना लेती हूँ, पॉपकॉर्न का दिल नहीं करा चाय पी लेती हूँ विदाउट शुगर, चाय का दिल नहीं करा ग्रीन टी पी लेती हूँ, या इस तरह की कोई चीज़ खाती हूँ जिससे फैट ना हो, बोझल ना हो। पिज़्ज़ा बर्गर तो रात को सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि खा लो। आप लोग जिस एज में, आप लोग इन्जॉय करें, अभी आप लोग की उम्र छोटी है, आप लोग खा पी सकते हैं। मुझे तो डाइट करनी होती है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को अच्छा लगने के लिए, मैं हल्का फील करती हूँ इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ डाइट करती ही रहती हूँ। अपने लाइफस्टाइल का मैंने हिस्सा ही बना लिया डाइट को, कि ज़्यादा नहीं खाना, खाना ज़रूर है, चस्के सारे पूरे करने, लेकिन थोड़े 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 पोर्शंस में। आप लोग मुझे देखते होंगे मैं बाहर होटलें भी काफ़ी करती हूँ, लेकिन पोर्शन मेरा थोड़ा ही होता है, ठीक है। अगर मैं बाहर भी गई हूँ, मैंने कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं की, मैंने सिर्फ पानी पीना। अगर मैंने एक बर्गर ऑर्डर कर लिया ना, साथ मैंने फ्राइज़ नहीं खाने, मैंने ड्रिंक नहीं पीनी, मैंने केचप नहीं खानी। इस तरह मैं पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ। आप लोग भी सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके, ठीक है। जिनको लगता है कि उनको बहुत जल्दी मोटापा चढ़ जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं तो देख भी लूँ मैं मोटी हो जाती, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। देखिए, हमने हर चीज़ काट ली है और अब बारी आती है इसको इस लिफाफे के अंदर शामिल करने की। अच्छा, मैं इस लिफाफे में इसलिए शामिल करती हूँ, मुझे ना ज़्यादा टेस्ट खीरे, अदरक, लहसुन, लहसुन का पसंद नहीं है, मुझे उल्टी आ जाती होती है, इसलिए सिर्फ हम घंटा पानी के अंदर डिप करके रखेंगे और बाद में इसको हम निकाल लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। हमने से हल्का सा फ्लेवर चेंज करना होता है, जो हम ग्रीन टी का टी बैग डालेंगे उसको भी हमने घंटे बाद निकाल देना। अब देखिए, सारा हमने इसके अंदर डाल दिया, तुख मलंगा हमने सारा कंज्यूम करना है, वो सारा हमने पीना है। ये देखिए जी, फ्रूट के अलावा हमने हर चीज़ इसके अंदर शामिल कर देनी है, क्योंकि कच्चा धनिया मुझे मुंह में आता बिल्कुल भी नहीं पसंद, अजीब सा होना शुरू होता है, अदरक का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं पसंद। अच्छा जी, टी बैग शामिल कर दिया, इसको भी, टी बैग को और इस शॉपर को हमने घंटे के बाद निकाल देना है। बाकी जो हम फ्रूट डालेंगे और तुख मलंगा डालेंगे वो हमने पानी के साथ खा पी जाना है, ठीक है। फ्रूट अगर दिल करे खा ले, वरना उसको अंदर ही पड़ा रहने दे। मैंने कीवी शामिल की है और सारी हमने कीवी डाल देनी है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए, इसके अंदर हमने इस तरह ना सुराख कर देने हैं, ताकि सारा इसका फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए और ना ये जो मुंह में कुछ कोई चीज़ ना आए। चले जी, पानी शामिल कर देते हैं, जो सबसे बड़ा जग है ना घर में वो वाला आपने ले लेना है। ये देखें जी, पानी शामिल कर दिया। यही पानी जी आप लोगों ने डेली पीना है जब तक आप लोग डाइट पे हैं। अगर आप लोग इस पानी को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इस पानी की आप लोग को एडिक्शन हो जाएगी ना, फिर आप लोग को सादा पानी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो जब मैं 10 दिन पी लूँ ना ये वाला पानी, और जिस दिन छोड़ूँ से मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों, इतनी आदत हो जाती है इस तरह पानी पीने की कि सादा पानी पेट दुखा देता है। तो बाकी आप लोग को अगर आदत नहीं चाहिए तो एक दिन बना लें, एक दिन छोड़ दें, या आप लोग जिस तरह भी पीना चाहें आप लोग पी सकते हैं। मिक्स करने के बाद जी, एक दो मिनट आप लोग गैप दें,
ठीक है, हल्का सा तो मलंगा फूलना शुरू हो तो उसके अंदर हमने वही वाला बैग शामिल कर देना है। बैग नहीं, आप एक शॉपर में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के सुराख करने ताकि फ्लेवर सारा इसके अंदर चला जाए। ये देखें जी, अब हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया। घंटे बाद हमने ये वाला बैग और जो टी बैग था ना, दोनों निकाल देने। ये देखें जी, अब हम घंटे का इंतजार कर रहे हैं, घंटे बाद ये बैग और टी बैग निकाल के पी के दिखाते हैं। ये देखें जी, 40 मिनट्स बाद ही मैंने निकाल लिया था, आप लोग आधे घंटे बाद भी निकाल सकते हैं। अगर बिल्कुल बिगनर हैं, अदरक की टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप लोग आधा घंटा स्टे कर दें। अगर अदरक का टेस्ट पसंद है, 45 मिनट्स घंटा भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग सुराख करेंगे पैकेट के अंदर भी थोड़ा सा पानी चला जाएगा, थोड़ा सा हाथ से स्क्वीज़ करके पानी वो निकाल दें, वरना अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकालें। इसको रीफिल करते रहना है। सपोज़ कि आपने 3 ग्लास पानी पी लिया, आपने और पानी पीना है, तो इसी के अंदर आप लोगों ने हर ग्लास के बाद रीफिल करते रहें। ठीक है, सपोज़ कि आपको पता है आपने 6 ग्लास पानी पीने हैं, 2 ग्लास पानी पीने के बाद एक और ग्लास डाल दें, फिर एक और ग्लास निकालें, एक और ग्लास डाल दें, उतना पानी कर दें जितना आपने पीना है। चलें जी, अब पीते हैं। तो मलंगा फुल फूल गया है और हमने 40 मिनट्स के बाद ही बैग निकाल दिया था। कुछ लोग जी बहुत एक्सट्रीम डिटॉक्स पीते हैं, रात को बना के रखते हैं और सुबह तक पानी बो मार जाता है, कसम से वो तो पीने का क्या, सूंघने का भी दिल नहीं करता। अगर जो लोग बिगनर्स हैं उनका ऐसा एक्सप्रेशन निकलेगा ऐसा, लेकिन आप लोग टेंशन लेनी, 3 दिन के बाद ही आप लोग एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक्सट्रीम वाला डिटॉक्स नहीं है, बड़े मज़े का डिटॉक्स है, अच्छा लगेगा आप लोग को। और अगर बिल्कुल भी नहीं पिया जा रहा ना, तो आप लोग 15 से 20 मिनट बाद उस बैग को निकाल लीजिएगा, वरना 40 मिनट्स ना रखें आप लोग। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब आप लोग बनाएं मुझे लाजमी टैग कीजिएगा। ओके जी, रब रखा।